नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। और दोस्तों आज सुपर संडे में मैं बात करूंगा दोस्तों चार्ट ऑफ द डिकेड की। जी हां दोस्तों, चार्ट ऑफ द डिकेड की ये है वर्ड ऑफ कॉशन। तो अगर आप पिछले 20-22 साल का इतिहास देखें तो पहला बड़ा क्राइसिस जो पूरे विश्व ने देखा था दोस्तों, पूरे वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट से देखा था, वो था लेमन क्राइसिस, सब प्राइम क्राइसिस था। दिसंबर 2007 में शुरुआत हुई थी, जून 2009 में इसकी समाप्ति हुई थी और दोस्तों पूरी वर्ल्ड मार्केट छिल गई थी। उसके बाद जो दूसरा क्राइसिस था उसने तो बाजार लाइफ सब कुछ हिलाया, वो था दोस्तों कोविड जो कि आया फेब 2020 में। तो दोस्तों दो बड़े क्राइसिस देखे हैं और दोस्तों आज बिग वर्ड ऑफ कॉशन की बात कर रहा हूं, वो आपको तभी समझ में आएगा क्यों है ये बिग वर्ड ऑफ द कॉशन, जब तक आप दोस्तों लेमन क्राइसिस नहीं समझेंगे। तो दोस्तों पहले मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं लेमन क्राइसिस के समय निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ था। दोस्तों ये है निफ्टी 50 का टेक्निकल चार्ट और लेमन क्राइसिस के चलते निफ्टी 50 6272 के अराउंड से गिरा और गिर के आया 2600 तक। जी हाँ दोस्तों, ये आया 2600 तक गिर के आ गया, एक बड़ी करेक्शन निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिली। अब क्या हुआ दोस्तों मेरे लिए ये जो हाइज हुए दोस्तों, ये लेमन से पहले के हाइज हो गए, ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गए। मेरे लिए इन हाइज के ऊपर निकलना मतलब कि एक बड़ी इंटेंसिटी का एक बड़ा ब्रेकआउट, और अगर इसके नीचे निकलता है क्या मार्केट सेटल हो गया, सब प्राइम क्राइसिस ओवर हो गया। तो ये हो गया लेमन क्राइसिस के बाद का लो, ये है लेमन क्राइसिस से पहले का हाई। जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो, ऊपर की तरफ हो तो ब्रेकआउट, नीचे की तरफ हो तो ब्रेकडाउन, उस डायरेक्शन में ट्रेड करो, ठीक है। ये है निफ्टी का टेक्निकल चार्ट। अब यहां देखिए गोइंग अहेड क्या हुआ, नीचे तो कभी आया नहीं, गोइंग अहेड क्या है, ये ब्रेकआउट हुआ यहां पर, ब्रेकआउट के बाद एक नई जर्नी शुरू हुई। ये देखिए एक नई जर्नी शुरू हो गई, कभी भी ये लेवल्स लौट के वापस नहीं आए। देखिए कभी भी ये लेवल्स लौट के वापस नहीं आए, इनफैक्ट कोविड के क्राइसिस में भी ये वाले लेवल्स कभी नहीं आए। तो ये था एक तरीका देखने का लेमन क्राइसिस में क्या हुआ निफ्टी के साथ। अब दोस्तों ये है निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट और लेमन के चलते 10,500 के अराउंड निफ्टी बैंक चल रहा था, वो आ गया 3500 के नीचे, फिर प्राइसेस सेटल हुए तो क्या हुआ, अगेन सेम चीज, इसके ऊपर मेरे लिए ऊपर का ब्रेकआउट, ये मेरे लिए नीचे का ब्रेकडाउन। तो दोस्तों ये है टाइटन का मंथली चार्ट, यहां मैंने वीकली को मंथली कर दिया क्योंकि आपको अच्छे से दोस्तों समझ में आए। तो यहां पे देखें क्या हुआ, टाइटन ने 85 रुपीज से करेक्शन दिखाई यहां पर 32 रुपीज तक। ये देखें तो ये लेमन से पहले के हाइस थे, एक मार्केट में करेक्शन आई। तो जब ये लेवल्स टूटे, प्री लेमन के हाइस टूटे, तो एक मल्टीयर ब्रेकआउट हुआ 88 रुपीज के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति 35 रुपए पे टाइटन लेगा, मतलब अगर आपने 88-90 रुपीज में भी टाइटन लिया तो वो यहां पर भी मल्टीबैगर बना, और गोइंग अहेड आप देख रहे हैं कि ये लेवल्स कभी टेस्ट नहीं हुए और एक ऊपर की तरफ टाइटन चलता रहा, तो दोस्तों ये है आईसीआईसीआई बैंक का टेक्निकल चार्ट। यहां देखें तो लेमन से पहले 240 के अराउंड के हाइस थे, 240 से स्टॉक गिरा 60 रुपीज तक। जी हाँ, 240 से स्टॉक गिरा 60 रुपीज तक। और यहां पर अगर हम देखें तो ये था लेमन से पहले का हाई, ये ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, वापस से वापस नीचे भी आया ब्रेकआउट लेवल से। तो ऐसा कोई कुछ नहीं होता है कि ब्रेकआउट हुआ है तो ऊपर ही जाएगा, कई बार रिट्रेसमेंट ज्यादा भी होती है। बट गोइंग अहेड अगर आप देखेंगे, तो ये लेवल्स वापस टेस्ट नहीं हुए कोविड के अंदर, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए लेवल्स के अराउंड दाम आए थे कोविड के अंदर, यहां पर कोविड क्राइसिस के अंदर ये दाम आए थे, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग रिबाउंडेड। तो यहां पर था एक ब्रेकआउट, ये लेवल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, भी आपको बताऊंगा आगे चल के कि क्यों मैं ये लेमन के हाइस के ऊपर के ब्रेकआउट और लेमन के लो के नीचे के ब्रेकडाउन को ब्रेकडाउन मान रहा हूं। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल और ऊपर के ब्रेकआउट का दिखाता हूं। अब ये दोस्तों HDFC बैंक का टेक्निकल चार्ट है, ये 180 के अराउंड चलता था, लेमन के चलते 89 रुपीज तक आया। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, जब ये क्राइसिस गया, जब ये ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, तो देखिए कितना स्मूथ रैली HDFC बैंक ने दिखाई,
कभी भी इन लेवल्स के आसपास फ्लोट के नहीं आया। अब मैं दोस्तों, ये तो मैंने आपको ऊपर वाले ब्रेकआउट दिखाए, अब मैं कुछ आपको ब्रेकडाउन दिखाता हूं। तो दोस्तों ये है रिलायंस कैपिटल का टेक्निकल चार्ट, और यहां पे देखें तो ये मार्च 2009 के लोज हैं, ये लेमन के बाद के लोज हैं, और जब ये लोज दोस्तों यहां पे टूटे अक्टूबर 2018 में, टूटे अक्टूबर 2018 में, कोविड से पहले तोड़े थे, टूटे थे लोज। और यहां पर दोस्तों मैंने मतलब टीवी पर भी ओपनली बेचने की राय दी थी और बोला था कि हिस्टोरिक लोज तोड़े हैं और यहां पर स्टॉक जो है एकदम डिस्काउंट धराशायी हो गया। तो लेमन के ऊपर पहले के हाईस, लेमन के बाद के लोज दोनों इंपॉर्टेंट थे, ये टूटे। सिमिलरली दोस्तों ये रिलायंस इंफ्रा का टेक्निकल चार्ट है, ये भी अगर आप देखें तो ये लेमन के बाद के लोज हैं, और जब ये लोज दोस्तों टूटे जनवरी 2019 में, यहां पर भी मैंने बोला था बेच के छोड़ दो, बेच के छोड़ दो, टीवी पे बोला था, और यहां पर भी ये धराशायी हुए। तो दोस्तों आपने अभी तक देखा लेमन क्राइसिस के समय पर क्या हुआ था, किस तरीके से ब्रेकआउट हुए, किस तरीके से ब्रेकडाउन हुए। तो लेमन क्राइसिस से बड़ा क्राइसिस आया दोस्तों 2020 में, वो है कोविड। जी हाँ दोस्तों, कोविड जिसने सब कुछ हिला दिया। जब एक बार को ये नहीं, मतलब कि लेमन क्राइसिस के समय तो ये लगा था कि बाजार खत्म, कोविड में तो लगा कि जीवन खत्म, दुनिया खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। तो दोस्तों मैं आपको अब चार्ट पे दिखाता हूं कि कोविड के समय में क्या हुआ, मार्केट गिरा, मार्केट बढ़ा, किस तरीके से दोस्तों ब्रेकआउट हुए, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में किस तरीके से ब्रेकआउट हुए, किस तरीके से वेव करा, वो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। दोस्तों ये है निफ्टी का वीकली चार्ट, ये कोविड के चलते गिरा। अगेन सेम चीज जो मैंने लेमन में ड्रॉ करी थी, ये वाला हाई हो गया, ये वाला लो हो गया, ये वाला लो हो गया, इसके नीचे जो भी मार्केट की प्राइस सेटलमेंट के बाद कोविड के लोस को तोड़े वहां बेचो, जो भी कोविड से पहले के हाईस को तोड़े उसको लो। तो निफ्टी में हाई टूटा तो क्या हुआ, देखो आप यहां पर एक रैली देखने को मिली, यहां पर एक रैली देखने को मिली। सिमिलरली दोस्तों ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, निफ्टी बैंक में 32,590 से करेक्शन देखने को मिली, यहां तक प्री कोविड हाईज है, ब्रेकआउट हुआ है, एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर निफ्टी बैंक। तो दोस्तों ये रिलायंस का टेक्निकल चार्ट है, रिलायंस में क्या हुआ, कोविड के चलते करेक्शन देखने को मिली, रिलायंस वन ऑफ द अर्ली राइजर्स था, जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ इसके ऊपर रिलायंस में भी एक बड़ा अपमूव ऊपर की तरफ देखने को मिला, रिलायंस में भी एक बड़ा अपमूव ऊपर की तरफ देखने को मिला। तो ब्रेकआउट लेवल रफली अराउंड 1600 के थे, 2600 रुपए के भाव रिलायंस ने हाईज लगाए। सिमिलरली दोस्तों टाइटन में क्रैक देखने को मिला, और टाइटन ने जैसे ही प्री कोविड हाईस को तोड़ा तो एक अपमूव देखने को मिला। और दोस्तों आप सब लोग जानते हो कि मैं रेगुलरली टीवी पर, यूट्यूब पर, क्लाइंट्स पर, एडवाइजरी में हमेशा बोलता हूं जहां भी प्री कोविड हाईस टूट रहे हैं वहां बाय करो, तो सेम रूल आता है, जहां पे प्री कोविड लोस टूट रहे हैं वहां पे सेल करो। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा पहले लेमन क्राइसिस के समय क्या हुआ, किस तरीके से ब्रेकआउट हुए, किस तरीके से कुछ स्टॉक्स में ब्रेकडाउन हुए, फिर दोस्तों मैंने आपको दिखाया कोविड के समय किस तरीके से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक्स ने रिटर्न दी और क्या हुआ। अब दोस्तों मुद्दे की बात पे आने से पहले मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों आरकॉम का चार्ट, लेमन क्राइसिस के बाद आरकॉम के चार्ट ने किस तरीके से बिहेव करा। तो दोस्तों ये है आरकॉम का टेक्निकल चार्ट, और ये थे लेमन के बाद के लोज, और आरकॉम था वन ऑफ द अर्ली स्टॉक जिसने लेमन के लोज को तोड़ा, एक बार ऊपर गया, पुल बैक में ऊपर गया, अल्टीमेटली इस लाइन के ऊपर कभी भी सस्टेन नहीं हुआ दोस्तों। फ्यूचर में आप देखें वीकली चार्ट है, कभी भी इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ ये। तो दोस्तों आपने देखा आरकॉम का चार्ट, सबसे पहला स्टॉक था मेरी नजर में जो कि सबसे पहले लेमन के सब प्राइम क्राइसिस के लोस को तोड़ा और किस तरीके से उसने वेल्थ इरोड करी। दोस्तों ऑन सिमिलर लाइंस बिग वर्ड ऑफ द कॉशन है, वो है स्पंदना स्फूर्ति। जी हाँ दोस्तों, वो है स्पंदना स्फूर्ति, और ये सब आपको इसलिए दिखाया क्योंकि स्पंदना स्फूर्ति अब कोविड के जो लोज हैं उनको तोड़ के उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, और आरकॉम का चार्ट इसलिए दिखाया है कि कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती है, एक बड़ा लेवल टूटा है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं स्पंदना स्फूर्ति का चार्ट। तो दोस्तों ये स्पंदना स्फूर्ति का चार्ट, और ये जो लोज है दोस्तों ये लोज है कोविड के बाद के लोज है, और स्पंदना स्फूर्ति इन लोज को तोड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इन लोज को तोड़ रहा है, तभी मैंने अभी रिसेंटली आपको आरकॉम का चार्ट दिखाया था, सिमिलर आरकॉम वाला हाल है। इसलिए टेक्निकली मैं बोल रहा हूं
वर्ड ऑफ कॉशन है दोस्तों, तो ये बड़ी वाली है टेक्निकली, तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों यहाँ थोड़ा संभल के चलना है। तो दोस्तों आपने देखा स्पंदना स्फूर्ति का चार्ट, लाइन टूट चुकी है, चार्ट खराब है दोस्तों। मेरी कोई यहां से किसी ने लंबी अवधि का निवेश कर रखा है तो निकल जाने की राय नहीं है मेरे लिए, तो ये वर्ड ऑफ द कॉशन है। जो चीजें पास्ट में हुई है दोस्तों वो दिखा रहा हूं कि फ्यूचर में भी हो सकती है। नथिंग गारंटेड, नथिंग ओवरनाइट, सिर्फ एक केस स्टडी दोस्तों मैंने शेयर करी है कंपेयर करके। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, अपना फीडबैक ट्विटर पर, यूट्यूब पर मुझको टैग करके अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।